धार्मिक और ये धार्मिक को लेकर के मध्यकाल के इतिहासकारों के बीच बड़ा ही विवाद रहा है। और इतिहासकारों का एक पक्ष ये मानता है कि औरंगजेब गैर मुसलमानों के प्रति कट्टर था और वह इस्लामी कानून शरीयत के नियम के अनुकूल शासन करना था। शरीयत मतलब एक इस्लामिक राज्य हो जहां पर कानून इस्लाम के अनुसार शरह के अनुसार शासन किया जाए, अर्थात दारुल धर्म को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। दारुल धर्म का मतलब है हिंदुस्तान के देश को इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना। इसको लेकर के जो एक पक्ष है वह मानता है कि हिंदुओं के मंदिरों को डिस्ट्रॉय करा दिया, विध्वंस करा दिया, संगीत पर वैन लगा दिया, आपका जो भांग की खेती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, पेंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा इतिहास हिस्ट्री राइटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया और जवाबित एक आलमगीरी एक कानून का संग्रह कराया है इस्लामिक कानून की, जिसके अनुसार शासन करने का नियम उसने बनाया। और जिसका ये उद्देश्य था कि पूरा हिंदुस्तान में शरह के नियम के अनुकूल शासन किया जाए। दूसरा पक्ष यह मानता है, इस संदर्भ में उनका ये भी कहना है कि हिंदुओं के फेस्टिवल पर भी प्रतिबंध, जो तुलादान था, जो झरोखा दर्शन प्रथा थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने जो हिंदुओं के ऊपर या गैर मुसलमानों के ऊपर जो जजिया टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को फिर से इसने 1679 में गैर मुसलमानों के ऊपर अर्थात हिंदुओं के ऊपर लगा दिया। इन सब बिंदुओं के आधार पर इतिहासकारों का जो एक पक्ष है वह यह मानता है कि औरंगजेब गैर मुसलमानों